दोस्तों वेलकम बैक टू मैशो फ्रिक्स। मैशो फ्रिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने महादेव और माँ महिषासुर मर्दिनी के टेंपल को हमने देखा, उनके बारे में जाना। तो अब जानते हैं कुछ और बातें इस मंदिर के बारे में। चलिए दोस्तों, ये स्पेशल एपिसोड होने वाला है। यहाँ बात करने वाले हैं पाँच पांडवों के पाँच मंदिर की और भीम के लोटे की। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, अज्ञातवास के समय में पांडवों ने बहुत जगह पर भ्रमण किया था और उसी के कुछ प्रमाण हाटकोटी मंदिर से भी जुड़े हुए हैं कि पांडव यहाँ पर आए थे, यहाँ तपस्या करते थे। एक भीम का लोटा भी यहाँ पर है। चलिए आपको दिखाते हैं भीम का लोटा और पांच पांडवों के पांच मंदिर और जानते हैं उनके बारे में। तो पंडित जी, यहाँ पर मेन पुरोहित है, मेन पुजारी है। पंडित जी, भीम का लोटा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में भी भीम मत है जी, ये कहते दो थे नदी में आए दोनों, और एक जो पंडित जी बहुत बार शक्ति आई तो एक रह गया, एक पकड़ के पानी बस बंद हुआ। अच्छा, मतलब ये मान्यता है भीम का लोटा है। आ, या, या, या। और ये अगर इसका साइज देखेंगे, लोटा नहीं पूरा ऐसे लगेगा, बड़ी बड़ा मटका है या हिमाचल का था। बाकी न्यूज 18 में आए, बड़ी कुछ अच्छा दिया है इसको। न्यूज 18 आता हकीकत आता पुराना, हर सैटरडे संडे को सब देता है इसमें। एक बात तो और जानना चाहूंगा, पीछे पांच छोटे छोटे मंदिर हैं और ये पांच पांडवों के संध्या बंधन के प्रतीक बने थे। अच्छा, पांच पांडवों के संध्या बंधन के प्रतीक बने थे जी। देखिए भीम का लोटा है, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें एक चेन बंधी हुई है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। ये माना जाता है भीम पुराने टाइम में जहाँ माता की स्थापना थी, इस लोटे को वहाँ से बांध देते थे। बांधने का कारण क्या था कि बार बार लोटा बहुत तेज हवा में इधर उधर उड़ जाया करता था। तो उसी प्रथा के चलते जब ये मंदिर का निर्माण हुआ बाद में, तो जो मंदिर का परिसर है उसकी दीवार के साथ इस लोटे को बांध दिया गया ताकि उस प्रथा का मान रहे। इसकी शेप बिल्कुल लोटे की तरह है और लेकिन इसका साइज किसी भी बहुत बड़े मटके से ज़्यादा बड़ा है और ये मिश्र धातु का बना हुआ है और इसकी शक्ल ही बताती है कि ये बहुत पुराना है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने फैब्रिकेट करके पिछले 50 साल में इसे रख दिया, पर धातु इसकी बता रही है बहुत पुराना है। और एक एक पत्थर इस मंदिर का आपको खुद बताएगा कि मैं कितना पुराना हूँ। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अपने अज्ञातवास में पांडव जगह जगह भ्रमण किया करते थे। ये वो स्थान है जहाँ पर पांडव काफ़ी समय तक रहे। ऐसा माना जाता है कि जो पांच छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ पर बैठ के पांडवों ने काफ़ी समय तक साधना की। जिस समय उन्होंने साधना की ये मंदिर नहीं थे, लेकिन बाद में पाँचवीं छठी शताब्दी में उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर पांच मंदिर बनाए उन्हीं की याद में, ताकि इस पवित्र स्थान को याद किया जा सके। पांडव अपने ईष्ट देव को, आदिशक्ति को और देवों के देव महादेव की अर्चना यहाँ पर किया करते थे बैठकर। और ये सच में एक बहुत पवित्र स्थान है। और ये साथ में देखिए एक शिव मंदिर भी यहाँ पर है, इसी परिसर में माँ आदिशक्ति का मंदिर भी है। चलिए इन पांच पांडवों के प्राचीन मंदिरों को थोड़ा पास से देखते हैं और जानते हैं कि ये कैसे लगते हैं।